बालवीर, आप बालपरी से हार गए? मुझे मालूम है बालवीर, तुम जानबूझकर हारे हो, है ना? हाँ बालवीर, हम सब समझ गए, आप बिल्कुल नहीं हारे। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी मैं अपनी माँ से कैसे जीत सकता हूँ? बदमाश। अब बालपरी की हाथ की रेखाएं मेरे हाथ में उतर जाएंगी। अरे बालवीर, खुश रहो बालवीर, खुश रहो, खुश रहो, डुबा डुबाओ, खुश रहो। वैसे बालवीर, आज अचानक परीलोक में कैसे? क्यों डुबा डुबा चार, मुझे परीलोक में आने के लिए कोई वजह चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, पूछ रहा था मैं तो बस ऐसे ही। वैसे ये सच है कि मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं माँ से मिलने आ गया। तुम्हें पता है कि माँ और परी कहाँ है? हाँ, बालपरी और बाकी सभी परियाँ परी बाग में है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डुबा डुबा चार। माँ, मैंने सोचा है कि अब मैं ज्यादा समय तक आपसे मिले बिना नहीं रहा करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बालवीर, हम भी ज्यादा समय तक आपसे मिले बिना नहीं रह सकते। इस रोशनी के बुझने तक मुझे बालपरी का हाथ पकड़ के रखना है। बालवीर, 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 मुझे बचाओ। बच्चे मुझे पुकार रहे हैं, लगता है उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। मुझे सबसे पहले उनके पास जाना चाहिए। मैं माँ और परियों से बाद में मिल लूंगा। बालपरी के हाथ की रेखाओं का स्वरूप मेरे हाथ में समा गया है और उसके मिलने के साथ अब मेरा दूसरा कार्य भी पूरा हो गया है। अब मुझे सिर्फ बालपरी के बाल चाहिए। अरे यार, ये रोहित कल अभी तक मानव को पकड़ कर नहीं लाए। ये मुक्का बना बना के मैं थक गया हूँ और मुट्ठी बंद होने के कारण एक काम भी नहीं कर सकता। अरे यार, किधर है? अच्छा हुआ तुम यही मुझे मिल गए मोंटो। ये लो कॉफीज, जाओ स्टाफ रूम में रखवा दो। सर, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्यों, क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे हाथ क्या बंधे हुए हैं? नहीं सर, हाथ बंधे हुए नहीं है, बल्कि मोंटू, तुम मुझे मुक्का मारोगे ऐसा कह रहे हो? नहीं नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम मुझे एक नहीं दो मुक्के दिखा रहे हो। नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो ये कह रहा था कि मेरी दोनों मुक्कियाँ बंद है। तो खोल दो। नहीं खोल सकता सर। क्यों? हाँ, आपने वो कहावत नहीं सुनी है, खुली मुट्ठी खाक की, बंद मुट्ठी लाख की। बंद मुट्ठी लाख की? हाँ। बहाने मत बनाओ, चलो हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। ये लो, जाओ और स्टाफ रूम में रखवा दो, जाओ। मोंटू, क्या किया तूने? हाँ, ये बुक्स संभाल के लेकर नहीं जा सकते थे? सर, मैंने आपको कहा था ना, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। जब तुम्हें एग्जाम में 0 मार्क्स मिलेंगे और मुझसे ग्रेस चाहिए होगा ना, तो मैं भी यही कहूंगा तुम्हें, ये मुझसे नहीं होगा। मोंटू, चुप चाप उठाओ उसे और जाओ स्टाफ रूम में रखवा दो। बहाने बस। अरे क्या बॉस, अभी हाथ खोल लेना चाहिए ना। और फिर वही जाते से मानो से माफी मांग लेते। बात खत्म। बात खत्म। जब तक मैं इन मुक्कों से मानव के दांत नहीं तोड़ लेता, तब तक मेरी ये मुट्ठियां नहीं खुलेंगी। बाबूजी, साफ साफ बोलिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं समझ में आया। बाबूजी, आप टेलीफोन की आवाज क्यों निकाल रहे हैं? हेलो हेलो,
क्या कर रहा है तू? मैं अभी बातें कर रहा हूँ। अरे बाबूजी बाबूजी भूखोली भूखोली। हेलो, हाँ महेश बोल रहा हूँ। महेश कौन? रॉकी, महेश तेरा मोटा भाई। महेश बोल रहा हूँ मैं। मोटा भाई, हाँ बोलिए। रॉकी सब ठीक है ना बेटा वहाँ पे? हाँ मोटा भाई सब ठीक है, और जो ठीक नहीं है उसे मैं ठीक कर दूंगा। क्या हुआ बाबूजी को, क्या हुआ? क्यों ऐसा क्यों चिल्लाए? नहीं मोटा भाई, बाबूजी आ नहीं कर रहे। बाबूजी वाह वाह कर रहे। नहीं क्योंकि मैंने सब कुछ अच्छे से संभाला है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, रॉकी इसी तरह घर को संभाले रखना। हाँ हम लोग थोड़ी देर में पहुंचेंगे, है ना? ठीक है ठीक है। ये रॉकी के भरोसे। क्या बाबूजी आप इतना चिल्ला क्यों रहे थे? मोटा भाई को पता चल जाता तो। अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? अरे आप लेकिन चिल्ला क्यों रहे? मैं तो सिर्फ आपका दांत निकाल रहा हूँ ना। अरे कब से तू गलत दांत खींच रहा है? सॉरी, वो क्या है ना, दांत जरा पीछे अंधेरा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। अरे वो दांत रहने दे, पहले मुझे सीधा कर। कैसे कैसे सीधा करूं बाबूजी? क्या एक छोटी सी प्रॉब्लम से आप परेशान हो जाते? हाँ बाबूजी, मैं अभी एक टॉर्च आपके मुंह में लगाता हूँ, फिर दांत निकाल लूंगा। नहीं नहीं तू रहने दे, मैं डॉक्टर के पास दांत निकलवा लूंगा। लेकिन बाबूजी आपको तो डॉक्टर से डर लगता है ना? अब डॉक्टर से ज्यादा मुझे तुझसे डर लग रहा है। बाबूजी वाह वाह। बात करी, जितना चैन से सोना है सो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे साथ साथ पूरे परिलोक की नींद उड़ने वाली है। तिलस्मी पर्वत के तीसरे दरवाजे को खोलने के लिए मुझे तुम्हारे जादुई शक्तियों वाले बालों की जरूरत है, जो मैं अभी हासिल कर लूंगी, और फिर तुम्हारे जीवन तारे का इस्तेमाल करके तुम्हें बुरी परी बनाऊंगी और अपना गुलाम बनाऊंगी, और फिर बालवीर को इतनी तकलीफ दूंगी कि वो इतनी तकलीफ सहन भी नहीं कर पाएगा। आज तो मैं मोंटू के मुक्के से बच गया, वरना उसके मुक्के से ही मेरा दांत टूट जाता। अरे अत्ता माजी फटक ली, ऐसे कैसे हो मोंटू तुझे मुक्का मारता? मैं जो तेरे पीछे था। हाँ हाँ छुपने के लिए। मैं छुप तो नहीं ना रहा था, मैं तो बस मानो को सपोर्ट दे रहा था। कौन है? सच्चे तू इतने में ही डर गया, फिर तू उस मोंटू को मुक्का क्या मारेगा? क्या बात करता है मानव, अब देखना मैं हमेशा तेरे आगे रहूंगा। सचिन तू मोंटू का मुक्का खाने के लिए आगे रहेगा, है ना? तो माँ जी फटक ली। सॉरी। वैसे मानव मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि तेरा दांत कब गिरेगा। हाँ हाँ हम भी तो इंतजार कर रहे हैं मानव के दांत गिरने का।
क्यों? क्योंकि मुझे देखना है कि तेरे दांत के बदले तू तेरी तुझे क्या गिफ्ट देगी। देखा दंतपरी बच्चे कितने उत्साहित है अपना तोहफा पाने के लिए। हाँ, क्योंकि मैं कुछ स्पेशली मांगूंगा। सही कहा तुमने दंतपुर, और बच्चों का यही विश्वास है कि दंतपरी आएगी और उन्हें उनके दांत के बदले मन पसंद तोहफे देगी। यही तो हमारा अस्तित्व का कारण है। हम है इसलिए बच्चे हमसे प्यार नहीं करते, बल्कि बच्चे हम पे विश्वास करते, हमें प्यार करते, इसलिए हम है। हाँ, और इसलिए उनका ये विश्वास हम कभी टूटने नहीं देंगे। बस क्या? तो बच्चा मंडली, क्या बातचीत हो रही है? ये कि मानव टूथ फेरी से क्या मांगेगा। आंटी आप हंसी क्यों? आप टूथ फेरी पे विश्वास नहीं करती हैं? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो टूथ फेरी को मानती हूँ। और अभी तुम्हारा दांत गिरने वाला है ना, तो शायद वो यही कहीं हो। अट्टा माजी फटकली यहाँ? हाँ। यहाँ कहाँ आई? शायद वो टेबल पे। चल जाके देखते हैं। चलो अरे यहाँ नहीं है तो कहीं और होगी, पर वो है और इंतजार कर रही है मेरे दांत टूटने का। नहीं, तुम लोगों के दूध फिनिश करने का। ये लो चलो दूध पियो। 1 2 3 स्टार्ट। चलो चलते। हाँ। बालवीर, आपने तो हमें डरा ही दिया था। आप यहाँ अचानक इस वक्त हमारे कक्ष में क्या कर रहे हैं? माँ, वो बस मैं पृथ्वी लोक पे जा रहा था तो सोचा आपसे मिलकर जाऊँ। बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ आ गए, लेकिन आप यहाँ चुपचाप क्यों खड़े थे? हमें जगाया क्यों नहीं? मैंने सोचा कि आप सो रहे होंगे इसलिए आपको तकलीफ होगी, और वैसे भी मुझे सिर्फ आपको देखना था, सो हो गया। आपके जगाने से हमारी नींद खराब नहीं होती है, आपको पता है ना, सबसे ज्यादा प्यार हम आपसे ही करते हैं। बालवीर भी सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार करता है बालपरी, इसीलिए तो तुम्हें बुराई की साथी एक बुरी परी बनाकर मैं बालवीर को सबसे ज्यादा तकलीफ दूंगी। मैं जानता हूं मां, और ये बात कभी नहीं भूलना कि हमारा ये प्यार कभी कम नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। होगा, जल्दी ही कम होगा बालपरी, जब तुम मेरी तरह बुरी परी बनोगी और अपने ही प्यारे बालवीर पर वार करोगी। माँ, अब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊँ। ठीक है, जाइए, और हाँ अपना ध्यान रखना। आप सो जाइए। ये रहा तिलस्मी पर्वत। ओ, तो है ये तिलस्मी पर्वत।
चलो गए पोच हम तिलस्मी पर्वत, चलो है खाते कुछ और कर लेते हैं थोड़ा आराम। नहीं, जब तक मैं बाल परी को अपने वश में करके बालवीर को तकलीफ नहीं दे देती, मैं आराम नहीं करूंगी। गया समझ। चलिए रुक जाओ, तुम इससे आगे नहीं जाओगे, क्योंकि यहां से आगे मुझे अकेले जाना होगा। जाइए। सावधान, अगर आप इस द्वार से आगे जाना चाहते हैं तो आपको आपकी आंखों का निरीक्षण करवाना होगा। ठीक है, आप मेरी आंखों का निरीक्षण कर सकते हैं। अपनी आंखों का निरीक्षण करवाने के लिए शुक्रिया बालपुरी, आप आगे जा सकती है। सावधान, आपको इस दरवाजे से आगे जाने के लिए अपनी हाथ की रेखाओं का निरीक्षण करवाना होगा। मैं इसके लिए तैयार हूं। हाथ की रेखाओं का निरीक्षण सफल रहा बालपरी, आप आगे जा सकती है। सावधान, तिलस्मी पर्वत के तीसरे और आखिरी द्वार को खोलने के लिए आपको अपने बालों का निरीक्षण करवाना होगा। मैं तैयार हूं। परीक्षण सफल रहा, आप तिलस्मी पर्वत में प्रवेश कर सकती है बालपरी। बालपरी नहीं, भयंकर परी हूं मैं, जिसने तोड़ दिया इस तिलस्मी पर्वत की सुरक्षा कवच को भी। बाल परी का जीवन शक्ति तारा, अब तुम्हें बुरी परी बनने से कोई नहीं रोक सकता बाल परी। बालवीर ने मेरी खुशियां छीनी है, अब देखना तुम, मैं तुम्हारी मां बाल परी को कितनी तकलीफ देती हूं। Ha 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 ha